अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जनरल साइंस लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज इन जनरल साइंस का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने नया चैप्टर जो स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 3, लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके हमने किए थे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और रीडिंग की थी हमने इसकी, और आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जी तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द लिविंग थिंग्स। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लिविंग थिंग्स। जी हाँ, लिविंग थिंग्स के नाम हमने लिखने हैं। हमें पता है कौन कौन है लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। जी हाँ, कौन कौन है लिविंग थिंग्स? प्लांट्स यानी पौधे हैं, एनिमल्स जानवर हैं, ह्यूमंस यानी इंसान हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों जो हैं वो सांस लेते हैं, मूव करते हैं और इनके बेबीज होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। इनको हम जानदार चीज़ें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What do we get from plants? What do we get from plants? जी हाँ, इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, कि हम प्लांट से क्या हासिल करते हैं, यानी प्लांट से हमें क्या मिलता है। आंसर देखें, We get fruits, vegetables, wood and oxygen from plants. We get fruits, vegetables, wood and oxygen from plants. जी हाँ, हमें क्या मिलता है पौधों से? फ्रूट्स यानी फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियाँ मिलती हैं, वुड लकड़ी मिलती है एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलती है हमें, जो हमारे सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑक्सीजन और वुड जो है वो हम उससे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, अपने घरों में भी फर्नीचर बनाते हैं और लकड़ी को जला के हम उससे हीट लेते हैं ठंडे मौसम में। तो ये सब, तो इस तरह प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What are pet animals? What are pet animals? जी हाँ, क्या क्वेश्चन है? पेट एनिमल्स क्या होते हैं? सबको पता है पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, कौन से हैं? जी हाँ, वो एनिमल्स जो हम अपने घरों में रख सकते हैं, पाल सकते हैं, उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। द एनिमल्स दैट कैन बी kept in homes are called pet animals. कौन से हैं pet animals? The animals that can be kept in homes are called pet animals. जी कौन से animals हैं जो हम घरों में रख सकते हैं, वो pet animals होते हैं। E.g. यानी for example क्या होता है, कौन कौन से हैं? cat, dog, cow भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, goat भी हो सकती है। ये सब क्या हैं? ये पेट एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और हम इनको अपने घरों में रख सकते हैं। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, आपने इस काम को अपनी नीट कॉपीज पर इसी तरह नीट करके लिखना है, जॉइनिंग राइटिंग यूज़ करनी है। चैप्टर का नाम लिखेंगे यूनिट नंबर 3, लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। जी तीन लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? प्लांट से क्या मिलता है हमें? वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3, What are pet animals? The animals that can be kept in homes are called pet animals.
ई जी कैट डॉग। जी हाँ, कौन से हैं पेट एनिमल्स? कैट और डॉग, जो हम घर में रख सकते हैं। और पौधों से हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, सब्जियाँ, लकड़ी और ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों को आपने नीटली अपनी नीट कॉपीज में लिखना है और याद करना है अच्छे से। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।